सीबीएसई की करें तैयारी तथागत आईएएस के साथ, डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ। तथागत आईएएस, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। चलिए शुरू कर लेते हैं। फिल्म्स में पेपर वन जीएस में टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक, इसमें पहला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हालांकि ये इकोनॉमी का टॉपिक है, बट ये टॉपिक एमपीपीएससी में भी कॉमन है और यूपीएससी में भी कॉमन है, दोनों में है। एमपीपीएससी में ये यहाँ दिया हुआ है, एक तो दिया है साइंस एंड टेक में, यहाँ पे दिया हुआ है सतत विकास और एसडीजी गोल यूनिट 7 के अंदर प्रीलिम्स में, और यही चीज आपके एमपी कॉन्टेस्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, तो ये तो एमपी में पढ़ोगे, एमपीजीएस में, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये कॉमन टॉपिक है आपका, और ये प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, सतत विकास लक्ष्य को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूपीएससी में यही टॉपिक यहाँ दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और कहने के लिए एक शब्द है केवल ये, लेकिन इसके अंदर हमको बहुत कुछ पढ़ना है डिटेल में। तो पहले मैं लिखा देता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ना क्या क्या है, फिर मैं एक टॉपिक को लेंगे और डिस्कस करेंगे उसके जो टर्मोलॉजी है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में टर्मोलॉजी से क्वेश्चन बनता है ना। इन्वायरमेंट रिफ्यूजी क्या है, इसी प्रकार से सस्टेनेबिलिटी के डायमेंशंस क्या हैं, है ना, क्या क्या डायमेंशंस, फीचर्स क्या हैं, तो प्रीलिम्स में इसी से क्वेश्चन बनता है इस तरह से। तो अभी अपन ले लेते हैं पहले, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, और ये आपको प्रीलिम्स सपोर्ट करेगा, मेंस में सपोर्ट करेगा, मेंस में भी एसडीजी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ भी सपोर्ट करेगा, प्रीलिम्स में करेगा। कॉन्सेप्ट में हम मीनिंग, नेचर, स्कोप, इन चीज़ों को तैयार करेंगे अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है मीनिंग, क्या है नेचर, स्कोप क्या है, ये टर्मोलॉजी हम इसमें पूरा कॉन्सेप्ट को इस तरह से देखेंगे। इसमें हम दूसरा देखेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा इनमें से कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक, मेंस में आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मेन कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट क्या है। फिर अप्रोच इसमें हम जो अभी तक की आपको चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके उस पर चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि एक बड़ी अप्रोच या एक बड़ा इनिशिएटिव है एसडीजी गोल, तो यहाँ पे हम गोल्स की बात करेंगे। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पहले से उनको आइडिया है कि लगभग 17 गोल रखे गए हैं एसडीजी के, जिसके अंदर कई सारे इंडिकेटर्स, सब इंडिकेटर्स हैं। ठीक, इसमें ये चार टॉपिक बनते हैं आपके, ये चार टॉपिक प्री और मेंस दोनों में ही काम के हैं,
ठीक, मीनिंग, नेचर, स्कोप, मेजर कंपोनेंट्स, अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दूसरा होगा गोल्स। ठीक, एक क्रम में ही है पूछी। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज आपके सिलेबस में यहां पर दिया गया है। यदि हम प्रीलिम्स की बात करें तो साफ लिखा हुआ है आपका सिलेबस में क्लाइमेट चेंज। ठीक, ये प्रीलिम्स यहां पे भी है और यही सेम टॉपिक एमपीपीएससी में भी है, जलवायु परिवर्तन के नाम से हिंदी मीडियम में और क्लाइमेट चेंज इंग्लिश में। ठीक, और ये मेंस में भी टॉपिक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे, दोनों स्कोप कवर कर लेंगे, प्री और हम मेंस दोनों के, क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं, कौन कौन सी बैठक चली है, कौन कौन से गोल्स रखे गए हैं, और वर्ल्ड में अभी क्लाइमेट चेंज को जो प्रयास किए गए हैं वो कहाँ तक सक्सेस हैं, क्या लिमिटेशंस उनकी और क्या होना चाहिए। ठीक, तो ये टॉपिक में आ जाएगा। अब जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये एसडीजी गोल का पार्ट टू है। पार्ट टू में हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल कॉमन्स, इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, क्या होता है ग्लोबल कॉमन्स, उसको लेकर दुनिया में क्या स्थिति बनी हुई है, चाहे अमीर देश हो या गरीब देश हो, क्लाइमेट चेंज सभी फर्क डालने वाला है, तो ग्लोबल कॉमन्स मतलब वो मुद्दे जिन पर सभी को प्रयास करना है, चाहे अभी कंट्री हो, चाहे गरीब कंट्री हो, चाहे आपके डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, और इसी में आता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स एंड क्लाइमेट चेंज इसमें पार्ट टू में, तो मिटा दो उसको। पार्ट टू में जब हम ग्लोबल कॉमन्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे साथ में इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन कौन से कन्वेंशंस हुए हैं, किस कन्वेंशन में क्या टारगेट रखे गए थे, क्या अचीव हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ, और उनमें क्या सुधार की जरूरत थी, सारे कन्वेंशंस एक जगह ले लेंगे अपन, और इसमें कोशिश करेंगे कि जिस दिन हमारी क्लास होगी उस दिन तक का जो भी चल रहा है कन्वेंशन या जो भी प्रयास चल रहे हैं वो सारे अपन समेट लेंगे किसी का, ताकि आपको बाद में केवल एक पेज अपडेट करना रहेगा जब एग्ज़ाम दोगे, वो जो नया पेज होगा अपडेट कर लीजिएगा, टॉपिक आपको कंप्लीट रहेगा उसमें, बाकी जो ऊपर टॉपिक थे वो तो कॉन्सेप्ट हैं, उनमें कुछ बदलेगा नहीं, बट यहाँ पे टारगेट्स, कन्वेंशंस, नई ट्रीटीज होती रहेंगी, तो वो आपको अपडेट करनी पड़ेंगी, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। फिर यहाँ पे हम एक टॉपिक और लेंगे, टॉपिक है आपका इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, इंटर रिलेशनशिप अमंग डेवलपमेंट, अमंग डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि क्या विकास और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं और क्लाइमेट चेंज तीनों चीज एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। दुनिया के कई देशों के विद्वानों का यह मानना है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका मानना है कि
जो सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबलमेंट है, ये लग्जरी की बातें हैं। जिनके पास पेट भरा हो वो इसकी बातें करें, बाकी डेवलपमेंट पे मेन जो होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जानकारी हो रही है और लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के कारण हमारे इन्वायरमेंट पर कितना नुकसान पहुँचा है, तो डेवलपमेंट को लेकर जो उनकी सोच थी बदली है। अब उनका मेन फोकस है कि हम डेवलपमेंट तो करें करें, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट करें जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी फायदेमंद है, उनको नुकसान ना पहुँचाए, उनके पास संसाधन हो, इस तरह प्रयास होना चाहिए। ठीक, तो ये आपके टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट हो गए। अगला टॉपिक हम इसी में लेंगे, मतलब कहने के लिए कि बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये, लेकिन बहुत डिटेल में आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। इसके अंदर अगला टॉपिक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड सिक्योरिटी, इनका क्या रोल है, क्या हमारा इन्वायरमेंट हम अपनी हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव करके बेहतर कर सकते हैं, क्या फूड सिक्योरिटी भी रहे और इन्वायरमेंट भी बचा रहे, ऐसा पॉसिबल है? इसमें हम इन एंगल्स को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक तो रहेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। अभी मैंने कहा कि कई लोगों का ये मानना है कि जो फूड जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है, ये क्लाइमेट चेंज और ये सब चीज़ें लग्जरी की बातें हैं, और ऐसे लोग स्टेटस क्यों माने आते हैं, मतलब जो जैसा है वैसे रहने दो। ठीक, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है बदलाव नहीं चाहते अपने अंदर, जैसा है वैसे रहने दो, लेकिन का स्टेटस क्यों जो हम चाह रहे हैं वो सही सकती है कि नहीं है? तो क्या रिलेशनशिप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और फूड सिक्योरिटी में, ये टॉपिक के अंदर एक चीज़ तो ये देखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि रोल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज, दुनिया में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी आ रही है, कई के नाम आप सुने भी होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोला जा रहा है कि क्रांतिकारी होगा, तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज क्या हैं और इनका क्या रोल रहेगा सैनिटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी में। ये टॉपिक हम इतना यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, लास्ट में टॉपिक आएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वास्तव में कैसे आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे फॉरवर्ड क्या है इसका। ठीक, इसमें क्या पॉलिसी इनोवेशन हो सकता है, अभी जो पॉलिसी चल रही हैं उनमें क्या बदलाव किया जाए, फिर इकोलॉजिकल लिमिट ये क्या है। ठीक, यदि हमारे पास संसाधन खत्म हो रहे हैं तो अल्टरनेट वे क्या है, अल्टरनेट वे वैकल्पिक स्तर क्या है संसाधनों को पाने का, क्योंकि इकोलॉजी डेवलपमेंट अल्टरनेटिव वे क्या है हमारे पास। और लास्ट में रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, भाई देश तो कर ही रहे हैं, सरकारें कर ही रही हैं, आपको पता है कि हमने जो SDG गोल लिए हैं वो 2030 अचीव करने हैं, दुनिया के 197 देश 193 कंट्रीज उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल कंट्रीज ही प्रयास करेंगी कि नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब
जो देश नहीं है, एनजीओ है, कॉमन सिटीजन्स हैं, इनका रोल क्या होगा? रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स ये क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो जिसमें हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की, हम बात करते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर की, हम बात करते हैं स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये सब जो चीज़ें होंगी उससे कितना हद तक संभावना है कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो आ जाएगा। मेरे ख्याल से टॉपिक पूरा ब्रेक हो गया, क्या क्या सब टॉपिक बनेंगे वो समझा दिया मैंने आपको, और यहाँ पे कोशिश करिए कि प्री और मेंस दोनों कवर किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो भी पूरा रहे आगे के लिए कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं तक? नहीं है तो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे सिलेबस में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल तो बहुत दूर की बात है, और ये टॉपिक तो इकोनॉमी का लग रहा है, तो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या घालमेल है, रिलेशनशिप है, और क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पड़ेगा क्या? फिर टॉपिक में आगे लिखा है पॉवर्टी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी का रिलेशन है, कोई रिलेशन है क्या? क्या दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग गरीब होंगे, गरीबी बढ़ेगी, लोग माइग्रेट करेंगे, रिफ्यूजी बनेंगे, और ये रिफ्यूजी किन देशों के लोग बनेंगे? क्या ग्लोबल साउथ जिसके हम बात करते हैं ये वो लोग होंगे? और क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल ग्लोबल साउथ की समस्या है, ग्लोबल नॉर्थ कि कोई रोल नहीं है इसमें? तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी प्रीलिम्स और मेंस में ही से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं इंक्लूजन की, तो हम कहते हैं कि जो भी हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें सभी को शामिल करना, सभी लोग मुख्य धाम में आए, डेवलपमेंट के स्ट्रीम में आके जुड़े, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इंक्लूजन किन की बात कर रहे हैं हम? वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं हम? जेंडर की बात कर रहे हैं फीमेल्स की हम? प्रोफेशन की बात कर रहे हैं? इंक्लूजन कैसे? इसके बाद डेमोग्राफी, क्या जनसंख्या और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई रिलेशन है? क्यों 1970s के बाद दुनिया भर में ये टर्म बहुत पॉपुलर हुआ, और ये वही समय जब दुनिया में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, जनसंख्या जब बढ़ी तो इकोनॉमी मॉडल लेकर उन्होंने चर्चा करना शुरू किया कि ये डेवलपमेंट मॉडल सही नहीं है, तेज जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन खत्म होते आ रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं, पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, कई स्पीसीज गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए हैं, तो क्या इनमें कोई रिलेशन है? इसके बाद सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ले रही है वो टॉपिक, तो टेक्निकली जैसे जैसे आप पढ़ोगे इस टॉपिक को आप समझ जाओगे सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं, अलग अलग नहीं है, इनमें रिलेशन है, ठीक? मेरा समझ में आ रही नहीं? तो हम इसी तरह से इसको लेकर चलेंगे, ठीक? कुछ पॉइंट्स में लिखवाऊंगा और कुछ पॉइंट्स में समझाते जाऊंगा, आप उसको नोट करते लीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीनिंग क्या है?
इन्वायरमेंट पढ़ा है तो इन्वायरमेंट में एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, ब्यूंट लैंड पढ़िए, क्या रिपोर्ट है ये? जब भी कभी सस्टेनेबल बात आती है ये रिपोर्ट चर्चा में आती है, ब्यूंटलैंड रिपोर्ट पढ़ी होगी आपने, क्या है रिपोर्ट है? क्लाइमेट चेंज पे है, बस पहली बार ये वर्ड यहां पे निकल के आया, सही बोल रही है, सही है, बहुत बढ़िया, इसलिए बोलता हूँ क्लास में ढंग से बैठा करो। ये वर्ड पहली बार इस रिपोर्ट से बहुत पहले आ गया था, हैं? लिख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो डेफिनेशन है ये 1970s का अर्ली में आई थी, उन्नीस सत्तर के शुरुआत में, 1970s का अर्ली में रिपोर्ट की एक शब्द ये डेफिनेशन आई थी, और ये डेफिनेशन दी थी बारबरा वर्ड ने, इनको बोलते हैं लेडी जैक्सन, MPPSC में इतने में ही काम हो जाएगा, जहाँ डूब जाने जरूरत ही नहीं है। पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन को आई तो वो 1970s का अर्ली में बारबरा वर्ड WERD इन्होंने दिया था, लेडी जैक्सन ने। ये फाउंडर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, ये फाउंडर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये फाउंडर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसकी फाउंडर है ये, ठीक, फाउंडर है। इंस्टीट्यूट ही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिख लीजिए, वॉज लार्जली अबाउट पीपुल, सी यूज वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज लार्जली अबाउट पीपुल कॉमा द इकोनॉमीज, एंड सोशल वेलबींग and aspirations, she used this word largely about people, their economies and social well-beings and aspirations for equity in their relationship with each other, in a context where environment, society, in a context where
इन्वायरमेंट सोसाइटी इम्बैलेंसेस को थ्रेटन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी, वे इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी इम्बैलेंस को थ्रेटन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। मैंने कुछ वर्ड इस्तेमाल किए हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपने इस्तेमाल किया इसमें। बाबा ने जो एसडीजी की डेफिनेशन दी, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें एक चीज है, एक तो लो हो गए पीपल, दूसरा हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। आप ये बस सुना कि डेफिनेशन क्यों करवा दें, इसलिए करवा दें, आप फिल्म्स का क्वेश्चन पेपर देखो, फिल्म्स में वो यही पूछता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोशल एलिमेंट को बहुत डिफाइन अच्छा डिफाइन कर रहा है। ठीक, सोशल एलिमेंट क्या क्या चीज़ आएंगी, क्या कंपोनेंट बनेंगे उसके, क्या फीचर्स होंगे, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं फिल्म्स के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल। तो वो एक तो बात कर रही है लोगों की, फिर कह रही है आर्थिक और सामाजिक भला लोगों का, फिर लोगों की एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन बात कर रही है वो, ठीक, और चौथी बात कर रही है इन्वायरमेंट और सोसाइटी इम्बैलेंस, और वो कह रही है कि इससे ये इम्बैलेंस क्या लेके आएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी के लिए खतरा। ये इम्बैलेंस खतरा लेके आएगा किसके लिए। अब ये यदि समझ गए आप, तो पूरे कॉन्सेप्ट समझाएंगे कैसे क्या डेवलपमेंट है। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, जो उनके हिसाब से सोशल एलिमेंट था, उसमें एक तो कह दी कि लोग उनकी आर्थिक और सामाजिक भलाई, उनकी समानता पाने की इच्छा, ठीक, ये सब चीज़ें रुक जाएंगी यदि इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी के बीच का बैलेंस इम्बैलेंस बढ़ा। इम्बैलेंस बात हो गई कि आपकी डिमांड है 100 यूनिट की और इन्वायरमेंट पे चीज बची है 10 यूनिट, तो 90 यूनिट का इम्बैलेंस रहा। और वो कहते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है, ये आर्थिक और सामाजिक स्टेबिलिटी को तोड़ देगा, समाज उतना बढ़ेगा और इकोनॉमीज हिल जाएंगी। इस पूरी बात को सुनने के बाद आप सोशल डेवलपमेंट को समझ पा रहे हैं, जो आज हम डेफिनेशन लेते हैं वो डेफिनेशन इसके अंदर छुपी है। मेरे तक पहुंच पा रही कि नहीं, मैं चाहूँ तो उस टॉपिक को और सिंपल करके लिखा देता, 2 मिनट बाद बार अवार्ड हो गया और ठीक है, आप भी कहता बड़ा बड़ा अच्छा हुआ है, एग्ज़ाम में नहीं होगा कुछ भी इससे। आप पेपर देखो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो नहीं बनेंगी तो फिर दिक्कत आने वाली है। बार बार वर्ड जो बोल रही हैं, आप उस बात को पकड़ पा रहे हो क्या बोल रही हो।
ये सारी चीजें टूट जाएंगी यदि ये एनवायरनमेंट सोसाइटी का इंबैलेंस बढ़ता है तो। और यही चीज है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, बस समझ आई है, यही चीज है डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली बात यहां से बढ़ निकल के आया ये बाबा वर्ड के द्वारा। ठीक, आ गया ये यहां पे, ये हाइट था कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट और रिफाइन होके आया ब्लूटलैंड रिपोर्ट में, जो आप लोग बोल रहे थे, लिख लीजिए। द लीगेसी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज हाउएवर एट्रिब्यूटेड टू द ब्लूटलैंड रिपोर्ट। The legacy of the concept of sustainable development is, however, attributed to the Brundtland report. ठीक, Brundtland report दूसरा नाम क्या था? कोई नाम भी तो हुआ, ब्लूटलैंड तो व्यक्ति के नाम पे हो गया है, कि जगह के नाम पे था, व्यक्ति का नाम था। कौन थे ब्लूटलैंड? पूरा एनवायरमेंट पढ़ लिया। अच्छा, पूरा एनवायरमेंट पढ़ लिया, जगह जगह ब्लूटलैंड रिपोर्ट को यूज कर रहे हो, ये नहीं पता है कि हैं कौन, ये आदमी थे, बंदर थे, इन्वायरमेंट थे, पॉलिटिशियन थे, या किसी यूएन एजेंसी के हेड थे, कौन थे ये? होंगे कोई, है ना, बैटन वुड की तरह। बैटन वुड कौन थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक के लिए बड़ा बैटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो क्या थी, वो जगह थी, वो नाम था व्यक्ति का, नाम था। चलिए देखिए, रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट नाम है, रिपोर्ट टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। ये तो टाइटल था रिपोर्ट का, ब्लूटलैंड रिपोर्ट का एग्जिट नाम है रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और रिपोर्ट का टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर। क्या यहां पे कुछ साउंड कर रहा है बाबा का थीम? 1970s में जो शब्द उन्होंने यूज किया,
वहाँ भी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात चल रही है, और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, ये सोसाइटी की बात चल रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन दिख रहा है क्या इन्वायरमेंट, इकॉनमी, सोसाइटी, कोई ऐसा दिख रहा है क्या डायमेंशन जो बाबा ने बोला, जो बाद में रिपोर्ट बन के आई, यहाँ कोई इंटर रिलेशनशिप दिखा है क्या? क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से या ग्रावर डिग्रेडेशन से इकॉनमी एंड सोसाइटी में कोई दिक्कत बढ़ने वाली है, और क्या इसको पैरामीटर अच्छा करने से इनमें भी कुछ सुधार होने वाला है क्या? कोई इंटर रिलेशनशिप चल रहा है क्या? हाँ, अब अपन लेते हैं इस कॉमन फ्यूचर में जो डेफिनेशन दी गई थी उसको पकड़ते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता था कि आप कॉन्सेप्ट पे जा जो दो चीजों को लिंक कर लीजिए, जितना अच्छा लिंक कर पाओगे अच्छे साल आपका आंसर निकलेगा क्वेश्चन से। इस रिपोर्ट में कहा गया, लिखिए, इस रिपोर्ट में डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है, डिफाइंस डेवलपमेंट एज, इस रिपोर्ट में डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. तो यहाँ पे ब्रुंटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया, और ये कहा गया कि हमको पूरा करना है मीट्स द नीड्स, किन की नीड्स, प्रेजेंट जनरेशन की, लेकिन जो फ्यूचर की जनरेशन है, फ्यूचर की जनरेशन जो है उसकी जो नीड्स होंगी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नो कॉम्प्रोमाइज, इसको तो बोलते हैं मीट्स द नीड्स ऑफ द फ्यूचर एंड प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, पूछते हैं लिख लीजिए। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, इसको ऐसे पूछते हैं, इन अदर वर्ड्स, ऐसा विकास जो आज और भविष्य की दोनों की पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता हो, मीट्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, दोनों का अर्थ पूरी करता हो। तो मान लीजिए इसी को घुमा दे सेंटेंस को, और कहे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नीड्स पूरी करने की बात है किसकी, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की, तो बात सही है,
यदि अपन उसको तोड़ लें, सेंस तो वही निकल रहा है, इनकी भी जरूरतें पूरी हो जाएं, हमारी पूरी हो जाएं, हमको पानी मिल रहा है शुद्ध पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर इनको ही मिले, ये नहीं कि ले हवा खा के हम चलाएं, हम लोग पानी इतना गंदा कर जाएं कि आने वाली पीढ़ी जो है उसके बाद पीने के लिए पानी ना हो। डेवलपमेंट नाम पे यही नदियाँ गंदी कर देना, बस ये कहना कि मेरे को अभी अपनी पूरी करनी जरूरत पूरी करनी है अभी, ठीक। राहुल फोन मैडम को देख कहना, फोन आ रहा है एक, ये वासन में आ रही ऊपर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, आज की भी और भविष्य की भी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी ऐसा कैसे होगा, क्योंकि माना था कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कई सारे थिंकर्स अपनाएंगे, कुछ यथास्थितिवादी हैं, स्टेटस क्यों है, बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, और कुछ कहते हैं कि नहीं परिवर्तन करना पड़ेगा। हम थिंकर्स देखेंगे डेवलपमेंट को लेकर जिन्होंने बात बोली है, डिफरेंट थिंकर्स ने, वो हम देखेंगे। अब यहां पे क्या एक केवल बात इन्वायरमेंट पर लागू होती है, नहीं, कहां कहां लागू होती है ये? जैसे समझ बड़ी सेटलमेंट को लेके, ये बात क्लियर हो गई कि ये बात केवल इन्वायरमेंट पे ही लागू नहीं होती है, ये बात रिसोर्सेस आदि पे भी लागू होती है। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीचेस फार बियॉन्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अकॉर्डिंग टू ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रीचेस फार बियॉन्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कॉमा, ठीक। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट के मुताबिक यह आइडिया केवल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं है, कॉमा, एज इट मींस अ प्रोसेस ऑफ चेंज, एज इट मींस ये केवल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं है, ठीक, इसका दायरा बहुत व्यापक है। कहां कहां है, एज इट मींस अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक तो ये हो गया। ये कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब केवल पर्याप्त नहीं है, आप जिस प्रकार से रिसोर्स यूज कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें आपको बदलाव लाना होगा, उसमें बदलाव लाना होगा। दूसरा,
डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें ही बदलाव लाना होगा। जो भी आप निवेश कर रहे हो उसकी दिशा भी बदलनी होगी, ठीक। इसके अलावा आपका जो भी ओरिएंटेशन है, टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेशन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, उसको भी बदलना होगा, उसको बदलना होगा। और लास्ट, इंस्टीट्यूशनल चेंज करने होंगे, संस्थाएं बदलनी होंगी, उनमें भी आपको लक्ष्य आदि बदलने होंगे। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने होंगे, ठीक, चेंजेस। और ये सब जो करना होगा, ए बी सी डी और ई, ये करना होगा नीड्स को दिमाग में रख के। किन की नीड्स? प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन की नीड्स। बात को समझ में आ रही है? ठीक, क्या बात समझ में आई? अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर क्या लिखा था कि नीड्स फुल्ली करनी है आज की भी और भविष्य की भी। लेकिन जब हम रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं तो रिपोर्ट कहती है कि केवल नीड्स से काम नहीं चलेगा, आपको बड़े लेवल में बदलाव करने होंगे। सबसे पहले जो भी संसाधन आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कोयला है, ऑयल है, गैस है, आयरन ओर है, मिनरल्स हैं, उनको यूज करने की जो प्रक्रिया आपकी, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट जो भी आपका होता है वो केवल ऐसा होता है कि लाभ, और वो भी आर्थिक लाभ। आपको लगता है कि यहां पर मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं वहां इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बदलनी होगी। होता है कि उस चीज से आपको अभी इंस्टेंट कोई लाभ ना हो डायरेक्ट, बट उसके जो लाभ हैं घूम के आएंगे। यदि आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम होता है तो आपके लोग कम बीमार होंगे, कम बीमार होंगे तो आपका हेल्थ का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो जो आप हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो कम हुआ नहीं हुआ? इसी प्रकार से पीने का पानी गंदा है, लोग पानी पी के बीमार हो रहे हैं, और यदि आप पानी क्लीन दे रहे हैं लोगों को तो उससे कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट हेल्थ कम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि लोग गरीब हैं और आपके यहाँ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कमज़ोर हैं तो लोग प्राइवेट जाएंगे, और प्राइवेट जाएंगे तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो लोग गरीब और हो जाएंगे, तो जो लोग गरीब हैं वो और गरीब हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी पर बोझ पड़ेगा, पड़ेगा उसका, क्योंकि आप गरीबों को बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और ज़्यादा उनको सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस, बीमा आदि चीज़ें देनी होंगी। बात समझ आई? तो आपको डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट भी अपनी चेंज करनी होगी। तीसरा, ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अभी आपका क्या ओरिएंटेशन होता है टेक्नोलॉजी को डेवलप करते समय? आसानी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी किसी भी काम को इजी, आसान करने का तरीका। नहीं बोलते नहीं क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक। पहले इस काम में इतना समय लगता था, अब इतना कम समय लग रहा है। तो टेक्नोलॉजी में आप पहले आदमी की आसानी, सुविधा को ओरिएंटेशन में रखते थे। फलां काम 2 घंटे में होता है, ये 20 मिनट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा,
लेकिन उससे इन्वायरमेंट को नुकसान जो पहुंच रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं था। अब जब आप R&D करोगे तो आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिमाग में रख के होगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम नहीं बनाएंगे जिसका इम्पैक्ट हमारे आने वाली जनरेशन और हमारी पेरेंट जनरेशन की नीड्स को रोकता हो फुलफिल करने में, या समझो। और लास्ट पॉइंट हो गया इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अभी जो आपका इंस्टीट्यूट है, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे लोकल लेवल पे, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर उतनी समझ नहीं है। हमने 2015 में आके SDG गोल फिक्स किए, सोचो आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही हम लेके आए 2015 में और 2030 तक। अब आपके पास क्योंकि इस प्रकार के कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है, तो अब आप क्या कर रहे हो, MPPSC स्लिप डाल रहे हो मध्यप्रदेश के SDG गोल में क्या परफॉर्मेंस है, सिलेबस में लिखा हुआ है आपके में, ठीक, ये सिलेबस में लिखा है ना, सिलेबस में लिखा है कि MP की SDG गोल में स्थिति, वो गोल जो 2015 में सेट हुए वर्ल्ड के लिए, उसकी बात हम कर रहे हैं 2023-24 में MP के कॉन्टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं MP के अंदर इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन चेंज किया होगा आपने, इंस्टीट्यूट का जो सोच थी, इंस्टीट्यूट का जो ऑब्जेक्टिव था वो बढ़ाया है, बदला आपने, आपने उसको कहाँ जोड़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अब आप ऐसे बात नहीं कर रहे कि मध्य प्रदेश में विकास कैसे हो रहा है, आप बात करो मध्य प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स है उस पर MP का क्या परफॉर्मेंस है, किन पैरामीटर्स हम लैक कर रहे हैं, किन में हम अच्छा कर रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया आपको, एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल को आप ऐसे देखो यहाँ पे कि साफ साफ आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया है, टॉपिक है, ये गया कहाँ है, समय में ये नहीं आया मुझे तो, जो ठीक है, टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मध्य प्रदेश की प्रगति, तो कोई तो नापता होगा कहीं ना कहीं। आप देख रहे हो पीछे जो बात करता है इंस्टीट्यूशन चेंज, और यहाँ पर सिलेबस में टॉपिक डाला हुआ है, तो कोई लिंक है इनमें, कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन चेंज हुआ इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए, ठीक। ये सब काम आपको करना है प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करते हुए। मेरे ख्याल से बहुत ब्रॉड डिस्कशन हो गया है। अब आपके पास इसमें भी क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल। ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ चेंज, हाँ प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसोर्सेस, बुरी सी बात है। दूसरा डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट, चेंज करना पड़ेगा हमें, ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। और लास्ट में हुआ ऑल अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या ऑल आर नेसेसरी, मेरी बात पहुंच रही है, क्लियर हुआ ये पूरा टॉपिक। अब मेरे ख्याल से जो हमने डेफिनेशन छोटी सी पकड़ी थी पहले बार बार वर्ड की, उसको मैंने और क्लियर किया ब्लूमलैंड रिपोर्ट में, और जब ब्लूमलैंड रिपोर्ट के अंदर पहुंचे तो हम देखेंगे कि इसमें और माइक्रो लेवल पे चीज़ें हैं, सही माया, ठीक है। चलिए
अब एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, इट इज नॉट अ फिक्स्ड स्टेट ऑफ हार्मनी, इट इज नॉट अ फिक्स्ड स्टेट ऑफ हार्मनी, ऑफ हार्मनी हार्मनी बट रेदर अ बैलेंस्ड एंड एडेप्टिव प्रोसेस ऑफ चेंज। It is not a fixed state of harmony, हाँ मनी बट रेदर बैलेंस्ड एंड एडेप्टिव प्रोसेस चेंज। मान ली सेंटेंस ही आ जाए, क्या अर्थ निकालोगे इसका? बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कोई फिक्स्ड स्टेट ऑफ हार्मनी नहीं है, ये बैलेंस एडेप्टिव प्रोसेस ऑफ चेंज है। इस सेंटेंस का मतलब क्या निकालोगे? यदि सी सेट में आ जाए, मतलब पैराग्राफ में आ जाए, क्या कहना चाह रहा है ये? सेटलमेंट गोल के लिए बोला गया है कि इट इज नॉट अ फिक्स्ड स्टेट ऑफ हार्मनी बट रेदर बैलेंस एंड एडेप्टिव प्रोसेस ऑफ चेंज। क्या है सेंटेंस मतलब, क्या बोलना चाह रहा है? हैं टाइम था तो फोन चाहिए और ऊपर ये एक लगातार बदलने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक। बैलेंस एंड एडेप्टिव प्रोसेस ऑफ चेंज बदलाव को, बदलाव की प्रक्रिया है जो बदलती जाएगी, ठीक। जैसे जैसे हमारा बदलाव आएगा, चाहे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आएंगे, चाहे फिर हमारे प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेस में चेंज आएगा, या फिर हमारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन चेंज आएगा, या हमारे डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज आएगा, ये चीज़ें बदलती ही जाएंगी। समझे? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना आप पढ़ोगे और सोचोगे, मंथन करोगे दिमाग में, सी सेट पैराग्राफ आपके लिए उतना आसान रहेगा, अदरवाइज सी सेट बहुत दिक्कत दे देगा, ठीक। और सी सेट तो बहुत दूर की अजीज दे देगा दिक्कत, क्योंकि जीएस में आप देखो सेंटेंस यूपीएससी के प्री में अर्थ ही निकालनी पता, अच्छा तक खत्म हो जाता है, ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि अपन पढ़ तो रहे हैं बट जितना बोल रहे हैं उतना ही पढ़ रहे हैं, उसके आगे दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक। और अपन को उस चीज़ में बहुत मजा आता है जो सिंपल होती है, ये भी है क्योंकि फिर स्टेट ऑफ हार्मनी दिमाग के अंदर आ गई है, दिमाग ऐसे ही सोचता है, इससे हम बच रहे हैं बैलेंस और एडेप्टिव प्रोसेस ऑफ चेंज से, पढ़ने में भी हम बच रहे हैं इससे, है ठीक।
जितने लोग बोल रहे हैं पैराफ नहीं बनना, सीसेट नहीं बनना, वो इसलिए बनना है कि उन्होंने दिमाग के तोते नहीं खोल रखे। उनको सिंपल चीज, सिंपल लैंग्वेज, बस स्टेटस की उसमें मजा आ रहा है। आप पेपर देखो, ठीक, प्रीलिम्स निकलते निकलते रुक रहे हैं, सीसेट अकाउंट रुक रहे हैं लोगों के, या जीएस, तो क्यों? क्योंकि अपन इस तरह सोच नहीं देते। अब यदि वो आपको सेंटेंस दे दे तो मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलिए, अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, समरी, अब तक जो पढ़ाया मैंने आपको, ध्यान सुनना पूरी बात में, ध्यान सुनना, जितना ध्यान सुनोगे उतना फायदा होगा। इन शॉर्ट, संक्षेप में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच द एस्पिरेशन ऑफ रिसोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट चेंज आर ऑल इन हार्मनी एंड इनहांस बोथ करेंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस। जुड़ गया? ठीक, अपन ने उसी को ले लिया, तो हार्मनी तो होगा, लेकिन कैसा हार्मनी होगा? डायनेमिक चेंज, फिक्स स्टेट नहीं होगा। ठीक, समझे? ये शॉर्ट में एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आई, यहां पे लिख लीजिए अलग से, स्टावना के लिए। इन शॉर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, ऑफ चेंज इन विच द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसोर्सेस, कॉमा द डायरेक्शंस ऑफ इन्वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कॉमा द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल चेंज आर ऑल इन हार्मनी एंड इनहांस बोथ करेंट एंड फ्यूचर जनरेशन पोटेंशियल टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस, ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस। ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस अबाउट, इन शॉर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसोर्सेस, कॉमा द डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट, कॉमा द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज, कॉमा आर ऑल इन हार्मनी एंड इनहांस बोथ करेंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस। आर ऑल इन हार्मनी एंड एनहांस बोथ करेंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस। अब मैंने वापस से वही डेफिनेशन को लिया शॉर्ट में, लेकिन दूसरे खाके में रख दिया,
मैंने कहा कि सीजनल एलिमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ चेंज को स्वीकार करता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंज, टू यूज टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेस, ठीक है, ये तो हो ही गया था। दूसरा डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, यहां तक की बात तो पहले भी हो गई थी जब हमने ब्रुंटलैंड रिपोर्ट को बांटा था तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो मैं सेंटेंस लिखा था उसको फोकस करो, मैंने क्या लिखवाया है, ऑल इन हार्मनी, ये सब चीजें हार्मनी में रहेंगी, है ना, ठीक है। हाँ टोटल कर लेते हैं, टोटल हो गया इसका हार्मनी, एक हमको चाहिए, हाँ, दूसरा इनहांस क्या करेगा, फ्यूचर और फ्यूचर एंड प्रेजेंट पोटेंशियल, हाँ काय का पोटेंशियल, ठीक, पोटेंशियल टू मीट ह्यूमन नीड्स, है ना, ठीक है, ह्यूमन नीड्स, हाँ ये एस्पिरेशन वाला चाहता है, ये क्या है, क्या एस्पिरेशंस है, क्या आकांक्षा है आपकी, इसका मतलब हिंदी बोलता है आकांक्षा, क्या आकांक्षा है आपका, और इक्विटी, इक्विटी इक्विटी आ जाए समाज में, इक्विटी आ जाए, हाँ ठीक है, इगल्टी सोसाइटी बने, तो ये कहीं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है क्या, ये बात कर रहा है, तो सिलेबस में लिखा है सोशल डेवलपमेंट सही है, उसमें आएगा सोशल डेवलपमेंट, अब सिलेबस ही बनाया मतलब गलत, लॉजिकली गलत नहीं है ना, पॉवर्टी वगैरह भी आएगी, ये सब इसमें लिंक हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि हार्मनी से हमें काम करना है, इनहांस करना है हमारी फ्यूचर प्रेजेंट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इम्प्रूव करना है और एस्पिरेशंस को पूरा करने की क्षमता लेके आनी है ना, बस कैसा समाज हो, इगल्टेरियन, इन्हें बोला इगल्टेरियन समाज कैसा होता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ऐसा सबको बराबर कर देंगे, कोई लंबा होगा तो उसका शॉर्ट करेंगे उसको, और कोई शॉर्ट होगा उसको लंबा करेंगे, खींच खींचिए नहीं, फिर हाँ रिसोर्सेस सभी के पास मौजूद हो, ठीक, ऐसा नहीं कि एक के पास सेंट्रलाइजेशन हो बाकी पास हो ही नहीं, ठीक, समझ में आएगी नहीं है। अब इनमें से मुझे ये बता दो कि मैं डेवलप कंट्री हूं, मैं बात करता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक, चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, अब ये ग्लोबल साउथ है ग्लोबल नॉर्थ है, साउथ के देश है इनमें क्या है, गरीबी भुखमरी कुपोषण अशिक्षा सारी बुराइयां जितनी हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे इन्हीं के लिए हैं। नॉर्थ में भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी स्थिति नॉर्थ में, लेकिन अधिकांश देश नॉर्थ में अच्छे हैं। अब इनमें से प्रोसेस ऑफ चेंज टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेस, इनसे आशा कर रहे हो, खाने रोटी नहीं है, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ रिसोर्सेस की दिक्कत आएगी हम लोगों को, ये इनके पास R&D है तो ये इसको कर सकते हैं, हाँ यदि ये हमको दे दें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हम भी कर लेंगे, इसी प्रकार से डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट, यदि ये देश इन देशों को पैसा दें टू इम्प्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट कंडीशंस, एडेप्टेशंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये देश कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी ये मेन इनके पास हो सकता है। ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी अभी इनके पास ही है, पैसा है तो R&D करेंगे,
यदि ये टेक्नोलॉजी हमको दें तो हम लोग भी लो कार्बन इमिजन आदि चीज़ें कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन चेंजेस जो वर्ल्ड के बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन पर कब्जा इनका है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, ठीक। तो ये अपने अकॉर्डिंग जो देश की बात मानते हैं उन्हें दिलवाते हैं लोन, बाकी दिलवाते नहीं हैं। अपन लगातार कह रहे हैं कि UN में फॉर्म कर दो, UN में फॉर्म कर दो, UNSC में फॉर्म कर दो, बोलते हैं अपन, ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई गाजा मूली नहीं है, इसके लिए बड़े मेजर चेंज करने होंगे। और ये बड़े मेजर चेंज जो होंगे ये वर्ल्ड लेवल पे होंगे, समझे। यदि मैं बात करता हूँ कि UNSC को बैलेंस करो, यदि मैं कहता हूँ कि ग्लोबल जो इंस्टीट्यूट है उन पे बड़े देश कब्जा है वो कब्जा ढीला करो, ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन में जगह दी जाए, ठीक। हम बड़ी आबादी लिए हुए हैं, हमारे पास लॉस ऑफ चेंज रिसोर्स कुछ है ही नहीं, हमारे पास इन संस्थानों में इनका तो दबाव है, सारे प्रपोजल सारे एजेंडे इनके पास होते हैं, ठीक। हर चीज़ इनके हिसाब से दिमाग रखी जाती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई ऐसा नहीं है कि केवल एजेंडा 2021 बना के ओपन SDG गोल बना के अचीव कर लेंगे, नहीं। आपको बड़े मेजर चेंज करने पड़ेंगे, बड़े मेजर चेंज करने होंगे पूरे प्रोसेस के अंदर। मेरी बात पहुंच रही है, कुछ बैठा दिमाग के अंदर? आज मैंने पूरा टॉपिक केवल लिया है, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मीनिंग, क्या है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग, क्या है डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। चलिए,